वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक मलाबारी पराठा या वर्की पराठा। प्लेन वर्की पराठा भी आपने मेरे चैनल पर रेसिपी देखी होगी, और आज हम बना रहे हैं गार्लिक वर्की पराठा। देखिए कितने अच्छे से सेपरेट होके सारी लेयर्स दिख रही है। इतना यमी क्रिस्पी हमारा पराठा बना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलिए बनाते हैं गार्लिक वर्की पराठा। लेट्स बिगिन। गार्लिक वर्की पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मक्खन रूम टेम्परेचर पे लिया है, और कुछ क्रश करके गार्लिक लिया है। अब इस गार्लिक को हम हमारे बटर में ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने कुछ चिली फ्लेक्स ले रखे हैं, चिली फ्लेक्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर इसमें डालेंगे। इस तरह से सभी को हमने मिक्स कर लिया है और हमारा एक मिक्स रेडी हो गया है। तो चलिए अब पराठे की तैयारी करते हैं। इस तरह से मैंने डो लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ, और इसे हम बेलन की मदद से पतला एकदम रोल करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने काफी थिन से रोल कर लिया है। अब हम हमारा रेडी किया हुआ गार्लिक मिक्स इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। सब तरफ इवनली स्प्रेड कर दीजिए। इस तरह से हमने इवनली हमारा बटर मिक्स इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसे पतले पतले फाइन स्ट्रिप्स में कट करेंगे। इस तरह से फाइन स्ट्रिप्स में हम काटेंगे। जितने अच्छे फाइन स्ट्रिप्स होंगे उतने अच्छे हमारे मलाबारी पराठा का लेयर्स बनेंगे। देखिए इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स में हमने कट कर लिया है। अब इन्हें साइड से लेके कलेक्ट करते जाएंगे इस तरह से। सभी लेयर्स को कलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से हमने सभी लेयर्स को कलेक्ट कर लिया है। अब एक तरफ से हम इसे टर्न करते जाएंगे, सभी लेयर्स को एक साथ लेते हुए, और राउंड राउंड इसको फोल्ड करते जाएंगे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इस तरह से हमारा ये लोया रेडी हो गया है। कभी गेस्ट आने वाले हो तो इस तरह से आप रेडी करके रख सकते हैं। अब इस तरह से हमने छोटे छोटे गार्लिक को चॉप करके रखा है। नाइजेला सीड्स कलौंजी हैं। यहाँ पर छोटा छोटा बारीकी से काटा हुआ पुदीना और धनिया है। अब हम गार्लिक इस पे इस तरह से लगा देंगे, देखिए, और इसी तरह से नाइजेला सीड्स को थोड़ा सा फैलाकर इस पे लगा देंगे, और थोड़ा सा हम हाथों से ही हमारा धनिया और पुदीना इस पे लगा देंगे। अब इसे हाथों की सहायता से ही हम थोड़ा फ्लैट करेंगे, हल्के हाथों से हमें प्रेस करना है। इस तरह से हमारा गार्लिक मलाबारी पराठा रेडी हो गया है। अब हम तवे पे इसको सेकते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है और इस पर हमने अपना पराठा डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम में हम सेकेंगे। अब हम इसे टर्न कर देंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है इस तरफ से। अब हम इस पे घी लगाते हैं। हल्का हल्का घी सब तरफ लगाएंगे। ये कितने अच्छे से लेयर्स एकदम सेपरेट होके दिखाई दे रही हैं अभी से। अब इसे टर्न कर देंगे। वाओ, कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस तरफ भी हम घी लगाएंगे। थोड़ा जेंटली घी लगाइए क्योंकि इस तरफ हमारे लहसुन है। देखिए कितने अच्छे से सिक चुकी है, कितने अच्छे से हमारी लेयर्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सारी सेपरेट होके लेयर्स सारी
नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छी तरह से हमारा मालाबारी पराठा सिक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं, एकदम सेपरेट होके सारी लेयर्स आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हमारा मालाबारी पराठा। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स हमारी बनी है, एकदम सारी सेपरेट होकर आ रही है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है, माउथ वाटरिंग क्रिस्पी हमारा वर्की पराठा, और वो भी गार्लिक वर्की पराठा। इसे किसी भी ग्रेवी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, पार्टी में एज अ मेन कोर्स में आप रख सकते हैं, सभी इसे बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।